नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में दरअसल शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाएं लामबंद हुई है। ये पूरा मामला तिली चौराहे का है। सागर में तिली चौराहे की शराब दुकान को लेकर बीजेपी और प्रशासन एक बार फिर आमने सामने है। दुकान हटाने की मांग को लेकर विधायक शैलेंद्र सहित महापौर प्रतिनिधि पार्षद सहित शहरवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करके विरोध दर्ज किया गया है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस दुकान को हटाने के लिए विधायक सहित तमाम जनप्रतिनिधि एक स्वर में बोले कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शहर का सबसे सुंदर चौराहा बन रहा है। पास में बच्चियों का स्कूल भी है, मंदिर है, शहरवासियों का आना जाना होता है, कॉलोनियां भी लगी हुई। वहीं महिलाओं ने बताया कि स्थानीय लोग इस शराब दुकान से बहुत परेशान, शराबी उत्पाद मचाते हैं। दो साल से ये लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन इस दुकान को अभी तक नहीं हटाया गया है। अगर क्या वजह है कि प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आगे उन्होंने कहा कि जब से दुकान स्थापित हुई है तब से ही इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा है कि पिछले दो साल से हम लोग ज्ञापन देकर प्रदर्शन कर उन माध्यमों से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत करा चुके हैं और जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये कदम उठाना पड़ा। कुल मिलाकर सागर विधायक शैलेंद्र जैन की बात भी अगर नहीं सुनी जा रही है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।